हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फेजिता सैंडविचेस। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो पहले चिकन बनाएंगे हम फेजिता सैंडविचेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा बटर। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस करके रख दिया है, ठीक है। तो ये मैं इसमें भी ऐड करूँगी। चिकन को ये गैस को थोड़ा फास्ट फ्लेम पे रखिए इस वक्त। चिकन का कलर वाइट होने तक हमें इसे इस तरह से फ्राई करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। अब गार्लिक पाउडर या गार्लिक पेस्ट दोनों में से जो भी है वो यूज़ कर सकते हो। तक यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक प्याज काट के रखी है। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन का जो प्याज आता है वो मैंने काटा है, यहाँ पे 2 लिया है मैंने। आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं, एक मीडियम साइज़ के। और यहाँ पे मैंने येलो पेपर्स, रेड पेपर्स और ग्रीन पेपर्स लिए हैं। तो आपके पास अगर ये 2 अवेलेबल नहीं है तो आप ये सिर्फ ग्रीन भी ले सकते हो सर, ओके। और अगर सिर्फ ग्रीन ले रहे हो तो फिर आप 1 ले लीजिए पूरा। जो सारे कैप्सिकम्स थे वो मैंने हाफ हाफ लिए हैं। एक जो मतलब अखी होती है कैप्सिकम, उसका मैंने हाफ हाफ लिया है सबका, ठीक है। अभी मैं इसमें पहले प्याज ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। सॉल्ट वन टीस्पून तक, सोया सॉस, सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब देखिए चिकन का जो पानी था वो अब सूख रहा है इस तरह से ना, क्योंकि मैंने इसे फास्ट पे ही पकाया है अब तक। अगर मैं इसको स्लो पकाती तो ये और पानी छोड़ देता। तो अब इस टाइम पे हम गैस को थोड़ा सा मीडियम टू लो हीट पे करेंगे ताकि चिकन जो है वो कुक हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ओरिगैनो। आप ओरिगैनो या मिक्स हर्ब जो भी आपके पास है वो ऐड कीजिए। 1/4 टीस्पून तक है ये। बच्चों के लिए बना रहे हैं अब तो आप थोड़ा स्पाइसेस आप थोड़ा अपना कम कर दीजिए। आप जैसे तीखा खाते हो उस हिसाब से रेड चिली पाउडर ज़्यादा या कम, जैसे भी आप लेना चाहो कर सकते हो।
अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। चिकन को पककर अब ये 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सिरका विनेगर। और आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नॉर्मल लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। अब ये बहुत क्विक हो जाएगा, अब इसमें कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो अब सारे जितने भी कैप्सिकम्स थे हमारे 3 तरह के, वो हम इसमें डाल देंगे। और अगर नहीं है तो 1 तरह की भी डाल सकते हो आप, जैसा मैंने आपको बताया है। बट ये है कि टेस्ट आता है थोड़ा अच्छा और थोड़ा कलरफुल लगते हैं चिकन और वेजीज। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। ये सैंडविचेस आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को पसंद आएगी। और आपको अगर रात में जैसे डिनर के टाइम पे आपको कुछ क्विक बनाना है या कुछ इजी बनाना है या ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है तो आप ये सैंडविचेस बना सकते हैं। और अगर आपको ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए थोड़ा हैवी तो उस टाइम पे आप ये रात के वक्त बना के रख दीजिए। ये जो जितना मैंने अभी बनाया है ये प्रिपरेशन, ये पहले ही कर दीजिए तो आपको सुबह के वक्त ईजी हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पेरी पेरी सॉस। इसकी जगह पे आप नॉर्मल रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं। तो ये मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। बच्चों के लिए बना रहे तो आप ये मत डालिए। और मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो सॉस 1 टेबल स्पून। बस इसे सॉस के साथ टॉस कर लो और बस गैस को बंद कर दो। अब मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड करके रख देती हूँ। गैस तो हमने बंद ही कर दिया था, जैसे सॉस डाल दिया था तो हमको गैस बंद कर देना। तो बस अब ये तैयार है फिलिंग। चिकन फिलिंग हमारी रेडी हो गई थी, अब हम इसे सैंडविचेस को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिए है और वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके जितना भी मैंने फिलिंग था वो थोड़ा थोड़ा करके इस पे रखूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चेडार चीज़ और थोड़ी मोजरेला। आप चाहिए तो कोई एक भी ले सकते हैं। बस अब इसके ऊपर दूसरा भी स्लाइस रख के इसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे सैंडविचेस को बना के रख दिया है। मैंने जितना इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे सारी चीज़ें उसमें 7 सैंडविचेस बन के तैयार है। तो अब हम इसे ग्रिल करते हैं। यहाँ मैंने ग्रिल पैन लिया है ग्रिल करने के लिए सैंडविचेस को। आप नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं या तो आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। तो सैंडविच मेकर में भी फट से बन जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ग्रिल पैन में बना के दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर बटर लगा दिया है। ऊपर की तरफ भी हम बटर लगा के रख देते हैं और अच्छे से ग्रिल मार्क्स आने तक इसको पकाते हैं। इसे मैंने दूसरी तरफ भी टर्न कर दिया है। ओके,
चिकन फजीता सैंडविचेस बनकर तैयार है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।